Namaskar children, how are you all? I hope all of you fine at your home. I am Sudha Rona from Nivera Global Days. I am your maths teacher. Let's start today's session with prayer. Join your hands and close your eyes. Slowly rub your hands, put on your face, open your eyes everyone, ready for today's session? Let's start. First story. Yes, today we are learning a new story. Okay, I think everyone are very eager to hear a story. Okay, so today's name of story is numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And there was a number missing. Which one is missing? That is 0. So today we are learning about 0. Let's start. Okay. One day, a great teacher called the meeting of numbers. Yes. There was a teacher called a meeting for all these numbers. Who are these numbers? These are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, one day a great teacher called the meeting of numbers. What it is meaning? Ek din teacher ne kisko meeting mein bulaya? Sare numbers ko. वो कौन कौन से नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यस दीज आर द नंबर्स टीचर हैज कॉल्ड देम फॉर मीटिंग सो नेक्स्ट ऑल द नंबर्स केम देयर एक्सेप्ट 0 यस देयर वाज अ मिसिंग नंबर हु वाज मिसिंग देयर
जीरो के सिवा सारे नंबर लीडिंग में आ गए। उसके बाद क्या हुआ? द टीचर ऑर्डर्ड द नंबर्स टू फाइंड जीरो। यस, टीचर आस्क ऑल द नंबर्स टू फाइंड जीरो बिकॉज जीरो वाज मिसिंग। यस, जीरो मिस हो गया था ना, सो इसीलिए टीचर ने क्या बोला सारे नंबर्स को, ये सारे नंबर्स को क्या बोला टीचर ने कि जीरो को फाइंड करो जल्दी, हाँ ढूंढना है। नेक्स्ट, ऑल द नंबर्स सर्च फॉर जीरो बट दे कुड नॉट फाइंड हिम। हाँ, ऑल द नंबर्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जीरो, जीरो के लिए वो सर्च करके स्टार्ट कर लिया। फिर क्या हुआ? बट दे डिड नॉट फाइंड द जीरो। यस, उनको जीरो नहीं मिला। पर कहाँ पे चिपक गया था जीरो पता है आपको? यस, एट लास्ट ऑल द नंबर्स फाउंड द जीरो हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। यस, देयर वाज अ वन ट्री, इन दैट ट्री बिहाइंड ऑफ दैट ट्री जीरो वाज हाइडिंग। मतलब उसके पीछे वो चिपक गया था। जीरो कहाँ पे चिपक गया था? ट्री के पीछे। सो बाद में सारे नंबर्स ने क्या किया? जीरो को फाइंड कर लिया, ढूंढ लिया। यस, द टीचर आस्क्ड जीरो व्हाई आर यू हाइडिंग। आप क्यों छुप गए थे? व्हाई यू आर हाइडिंग जीरो, जीरो को पूछ रहे थे मैम, आप कहां पे छुप गए थे, क्यों छुप गए थे? देन जीरो स्टार्टेड क्राइंग एंड सेड आई हैव नो वैल्यू। क्या बोला जीरो ने? जीरो ने क्राई करा, मतलब रोना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने बोला आई हैव नो वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम हाइडिंग बिहाइंड दिस ट्री। मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं करता है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, पेड़ के पीछे जाके चिप गया, मुझे बुरा लगा। सो आफ्टर दैट द टीचर आस्क्ड नंबर वन टू स्टैंड बिफोर जीरो। आस्क नंबर वन टू स्टैंड बिफोर जीरो, मतलब एक जीरो है उसके आगे, बिफोर मतलब आगे, उसके आगे वन को खड़े रहने के लिए बोला। मैम ने क्या बोला? मैम आस्क टू नंबर वन, मैम आस्क टू नंबर वन स्टैंड बिफोर ऑफ जीरो, जीरो से पहले आप जाके खड़े हो जाइए। तो फिर क्या हुआ? देन द टीचर एडेड, सॉरी, देन ही आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन। अभी मैम ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन, अभी वन का वैल्यू क्या बन गया? नाउ आफ्टर दैट ऑल द नंबर्स स्टार्टेड शॉटिंग टेन टेन टेन, है ना। इसके बाद टेन वन नंबर कहाँ पे खड़ा हो गया? जीरो से पहले खड़ा हो गया। सो दैट इज बिकम वन जीरो टेन, है ना। इसीलिए सारे नंबर्स क्या शॉट करने लगे, क्या चिल्लाने लगे? टेन टेन टेन, इट्स बिकम टेन। देन द टीचर एंड
टीचर नहीं होंगे तो आपको कौन पढ़ाएगा स्कूल में? हाँ, और फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आप अकेले पढ़ पाओगे स्कूल में? नहीं, आपके फ्रेंड्स के साथ रह के आप पढ़ोगे, है ना। अकेले आप नहीं स्कूल आ सकते हो और अकेले आप स्कूल में नहीं बैठ सकते हो। ऐसे की और टीचर का भी इम्पोर्टेंस, कोई भी आपके लाइफ में कोई भी हो, उन सबकी इम्पोर्टेंस इक्वल होती है। कभी ना कभी आपको उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज स्टोरी एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस क्लास वर्क इज पेज नंबर 24 इन वर्कशीट नंबर नेम 30 एंड होमवर्क इज 13 इन नोटबुक। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट CW ऑन द टॉप एंड मेंशन टुडेस डे। राइट नंबर एंड नंबर नेम्स इन द बिलो गिवन बॉक्सेस। वन हैज बीन डन फॉर यू। यस, हियर ऑलरेडी रिटन इन योर वर्कशीट। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 13? Cut it in two parts, E-H-I-R-T-E-E-N.
is our classwork. Classwork is in our worksheet, page number 24. First of all, write here CW and mention today's date. Yes, write number and number names in the below given boxes. One has been done for you. Yes, here already written, and these are the boxes. You have to skip one box, then write. Okay, write the spelling of 13. What is the spelling of 13? THIRTEEN. 13. THIRTEEN. 13. Skip one line. THIRTEEN. 14. Skip one line. Sorry, 13. THIRTEEN. 13. Yes, this is the spelling of 13. And another box, underline, you have to write yourself. I already shown in you the video. Okay, now activity time. Yes, this is our notebook. First of all, write here HW and mention date. So, what we are doing today? Today, we are making here a caterpillar. So, we have to find the spelling of 13. I am making a in sleeping line. मैं sleeping line में कर रही हूँ, क्योंकि ये standing line में नहीं समाएगा हमारा. Okay, this is the face of caterpillar. First of all, we have to stick this caterpillar in here. Okay? Yes. You have to cut in circle. Yes, I am sticking this caterpillar here. Yes. Okay, now which one is the first letter we have to stick here? Sabko dikhai de raha hai? Yes. Okay, the first letter is T. So, T is here. Okay, stick this T here. The first letter is T. Okay, the first number is T. So, I am pasting here T. So, what is the next spelling? T-H. So, where is H? Yes, here it is. Take this H and paste here. T-H. 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 Next, H ke baad T-H-I. So, where is letter I? Okay, now we have to paste the letter I. Yes, T-H-I. Yes, this is I. Next, T-H-I-R. So, where is R? Yes, here it is. So, take the letter R and paste with the help of a stick. Yes, here R, T-H-I-R, next teen. So, start with T, 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 T after which letter will come? T, E, E, T, double E, double E means two E. Yes, this is E. Next, we have to take another E. E, T-H-I-R, T-double E, double E. Last one is N. Yes, T-H-I-R, T-double E-N, T. Yes, this is a caterpillar. Our activity is done. So, here are their legs. Okay? And here we have to make an antenna. This is the spelling of 13. So, write here 13. Yes? Put
This is the spelling of this. This is the spelling of 13. THIRTEEN. 13. Yes. Now I will show you writing portion. Here write number 13 and the spelling of 13. THIRTEEN. You have to write only 6 times. Yes. Only 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, only 6 times you have to write number spelling of 13. THIRTEEN 13. Skip one line, then write. Okay, children. THIRTEEN 13. Skip one line, then write. THIRTEEN 13. Skip one line, then write. THIRTEEN 13. Skip one line, then write. THIRTEEN 13. Yes, our homework also done. Yes, this is our activity. I hope all of you very enjoying doing all the activities. Yes, children. Yes, share your pictures to me. Bye bye, everyone. Take care.